इतना परेशान तो एक बैक बेंचर टीचर को नहीं करता जितना रविंद्र जडेजा और अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को कर रखा है। अब बेचारा ऑस्ट्रेलिया करे तो क्या करे, जडेजा और अश्विन तो उन्हें रन बनाने देते नहीं और जब अच्छा रन बना लेते हैं तो अक्षर पटेल उन्हें धकेल देता है। कुल मिलाकर इंडिया का ये तिगड़ी ऑस्ट्रेलिया का सिगड़ी सेक गया। देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के पहले और दूसरे इनिंग के स्कोर को, घास चबाते शेर से दूध पीता बिल्ला बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जब मैच के दूसरे दिन 61 पर अपना एक विकेट खो चुका था, फिर तीसरे दिन सर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को इतना बेबस कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया अगले 52 रन के अंदर ही अपना 9 विकेट बर्बाद कर लिया। फिर क्या ही रहा और क्या पढ़ना, सब के सब एक के बाद एक 113 रन पर ही ढेर हो गए। जडेजा और अश्विन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता भर दिया, सुअर बना दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब बेचारा ऑस्ट्रेलिया यही सोच रहा था, भैया ये जोड़ी टूटती क्यों नहीं। अरे भाई टूटेगी कैसे, ये जोड़ी अंबुजा नहीं अश्विन और जडेजा से बनी है। और बुलाओ डुप्लीकेट अश्विन को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया डुप्लीकेट अश्विन के गुगली का ऐसा चस्का ले रखा था कि इनसे जडेजा की एक सीधी बॉल भी नहीं खेली गई। और लगाओ पिच में झाड़ू और खेलो स्वीप शॉट। केजरीवाल जी समझाइए इन्हें, नगर निगम वाले समझ रखा क्या। जडेजा ने 7 विकेट उखाड़े जिसमें से 5 बोल्ड मारे। अब 115 रनों के टारगेट को इंडिया ने 6 विकेट हाथ में रहते चेस कर लिया। ऑस्ट्रेलिया वालों हम तो आपको बॉम्ब समझते थे, आप तो फुसकी निकले। आपसे 5 दिन क्या 4 दिन भी मैच नहीं ले जाया गया। ऐसे करोगे तो क्या कद्दू नंबर 1 टेस्टर टीम रहोगे।